ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक माह का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में व्रत का, तप का, दान का, स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व है, जो शास्त्रों में वर्णित है, जिसके अनुसार इस महीने में मनुष्य अगर संयम के साथ रहते हैं और कुछ विशेष नियमों का पालन करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कार्तिक मास में 7 नियमों के पालन को जरूरी बताया गया है। इन नियमों का पालन करने से मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये माँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कार्तिक मास के क्या वो 7 नियम हैं जिन्हें अपनाना सभी के लिए जरूरी है, जिन्हें अपनाकर आप भी श्रीहरि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में दीप दान का बहुत ही महत्व धर्म शास्त्रों में बताया गया है। पुराणों के अनुसार इस महीने में दीप दान करने के महात्म्य के बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को और उन्होंने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथ्वी को बताया था। इसीलिए इस माह में किसी भी नदी या पोखर, तालाब, जो भी आपको मिले वहां पर दीप दान जरूर करें। सनातन धर्म में तुलसी पूजा का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है और कार्तिक माह में तुलसी पूजन का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये माह भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसीलिए कार्तिक माह में नियमित रूप से तुलसी पूजन करना चाहिए। इस माह में तुलसी दान करने का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। आप चाहें तो तुलसी वृक्ष का रोपण, आप कहीं भी तुलसी के पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाइए, इसका पुण्य फल भी बहुत ही ज्यादा होता है। कार्तिक महीने में भूमि पर शयन करने के नियम को मुख्य माना गया है। भूमि पर शयन करने से मन में सात्विकता बनी रहती है, इसीलिए जो भी व्रती, जो भी श्रद्धालु कार्तिक माह में व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उन्हें भूमि पर ही शयन करना चाहिए। मतलब उन्हें बिस्तर पर नहीं सोकर जमीन पर सोना चाहिए। इसके लिए आप चटाई वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक अन्य महत्वपूर्ण नियम और ये है कि कार्तिक महीने में शरीर पर तेल लगाना वर्जित माना गया है। कार्तिक माह में केवल एक ही दिन, नरक चतुर्दशी के दिन आप तेल लगा सकते हैं, इसीलिए इस महीने में शरीर पर तेल न लगाएं। कार्तिक मास के नियमों में एक और नियम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खान पान से जुड़ा हुआ। कार्तिक मास में दलहन यानी कि किसी भी प्रकार के दालों के सेवन को निषेध माना गया है। इस महीने में उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, मटर, राई, इन चीजों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास व्रत और तप करने का महीना है, इसीलिए इस महीने में ब्रह्मचर्य के पालन को भी जरूरी बताया गया है। माना जाता है कि अगर पति और पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस नियम को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। कार्तिक मास में मन और तन दोनों में संयम रखने के लिए कहा गया है, इसीलिए इस महीने में अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लगाएं, किसी की निंदा ना करें, अपशब्द ना कहें, नियंत्रण रखें मन पर, कम बोलें। अगर कम बोलेंगे तो किसी से विवाद ही नहीं होगा। विवादों से, लड़ाई झगड़े से कार्तिक मास में आपको बचना है। तो ऐसे में आप किसी वाद विवाद में ना पड़े, वाद विवाद से अलग रहकर अपने मन को ईश्वर भक्ति में लीन रखें। दोस्तों, कार्तिक मास में तामसिक भोजन निषेध है। कार्तिक मास, जैसा कि कई बार मैंने अभी कहा कि शुद्धता सात्विकता का मास है, इस माह में हम श्री हरि की आराधना में रहते हैं, तो ऐसे में तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन करना वर्जित बताया गया है। तो जो भी लोग कार्तिक मास के नियमों का पालन करते हैं वो इन नियमों का पालन जरूर करें।
दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल पर अगर नए आए हैं तो ऐसी ही जानकारियां मैं हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबा कर रखें ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।